काफी कोशिशों से कई हजारों करोड़ खर्च करके हिंदुस्तान का एकलौता राज, एक ही राज है आज हिंदुस्तान में, 24 घंटा हर किसी को क्वालिटी पावर देता है। आज हम देखते हैं सारा देश में जंग, प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात राज्य में भी किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे करंट का मांग करते हुए, सारे हिंदुस्तान परेशान है। लेकिन मैं फखर से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। हमारे तालाबें भर गई, बिजली सही हुई, 30 लाख बोर काम करने लगे, हमारे पैदावारी लाजमी है बढ़ेगी। और पीयूष गोलमाल कहते हैं भाई क्या चमत्कार किया तेलंगाना ने, हां किया जी, चमत्कार ही किया, अगर आप नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे। जब हमारे पार्लियामेंट के नेता माननीय केशव राव जी राज्यसभा में सवाल उठाए, वो तो उनको ना समझ करार दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल जी, ना समझ कौन है, हमारे केशव राव जी है ये आप खुद में ना समझ है, कौन ना समझ है? ऐसे बातें, इतने अहंकार कहां से आए आपको, क्यों ऐसी बातें करते हैं? हां चमत्कार हुआ जी, मैं कहता हूं एक मुख्यमंत्री होने के नाते 2014 और 2022 का तुलना करके देखे, तेलंगाना में सिंचाई, तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ की बढ़ोतरी आई, 1 करोड़ एकड़ की बढ़ोतरी आई। देश के प्रधानमंत्री सच्चे अच्छे ईमानदार प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते, ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य यह बनता है कि इसको सराहना चाहिए, उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे, हमको दोषी ठहरा रहे। धान उगाना ही दोष है, इस देश को अन्न देना ही देश है दोष है, क्या बात देश है? जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकायत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा, मैं एक उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे टिकायत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं। मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे आपको, केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितने मुश्किल खड़ा कर दिए, कितने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों का लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद दुनिया पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने ये हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुदा के माप से माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है, जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं, कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांगे थे, हो सकता है बाद में भी फिर माफी मांगेंगे, यही लगता है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं,
आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आप आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना जब लड़ने के लिए निकलता है, अंतिम विजय प्राप्त करने तक रुकता नहीं। राकेश जी, एक अजीब बात है, अब हमारे किसान धान उगाए, खरीदो बोलो तो ये उल्टा पलटा बोलते हैं, बड़ा चमत्कार। इन्होंने कहा जी क्रॉप बदल दो, हमने किसानों को कहा भाई क्रॉप बदल दो। क्रॉप बदलाव की बात हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे, सारे एमएलए कह रहे थे, सारे मंत्री कह रहे थे, गांव गांव में हमारे सरपंच भी कह रहे थे भैया क्रॉप बदलना चाहिए। लेकिन इन्हीं के दो आदमी, एक आदमी है केंद्र कैबिनेट में मंत्री किशन रेड्डी जी, दूसरे इनके पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेलंगाना राज्य के, कह रहे थे कि धान उगाओ, धान उगाओ, हम खरीदेंगे। उनको उचका के बहका के धान उगाने पर कह रहे थे कि उगाओ, हम खरीदेंगे, मुख्यमंत्री की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। है टीवी आपके पास? कहाँ है टीवी? केंद्र सरकार के द्वारा खरीदने का सिलसिला चलता है। मैं कल यही बताया, जो एग्जिस्टिंग जो क्रॉप है, जितने भी वो वाइल्ड रेस हो, ला रेस हो, केंद्र सरकार पूरा पूरा भारत सरकार खरीद खरीदने वाले हैं। प्रति गिंजा को किशन रेड्डी गारु नहीं पंजा, प्रति गिंजा को ముఖ్యమంత్రి మాటలన్నీ మోసపోకండి అని చెప్పి క్లియర్గా వాళ్ళు చెప్పినారు. దానికి కట్టుబడిగా ఇలా దీనికి అనుగుణంగా మా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గారు పార్లమెంట్ లో పదవి వేశారు. దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. సునా టికాయ్ జీ, ఈ కిషన్ రెడ్డి సాహెబ్ కా టీవీ కా బయాన్ హే జో హమ్నే అభి ప్రదర్శిత్ కియా. వో తో కహ రహే థే ఏక ఏక దానా दाना दाना हर दाना खरीदेंगे। अब किधर गायब है, लापता है, गजब की बात है। सारे तेलंगाना के जनप्रतिनिधि आए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने, भाजपा का षड्यंत्र देखो, हैदराबाद में वो धरना कर रहे, कितने गंदी बात है। क्यों कर रहे हो भाई, किस लिए धरना कर रहे हो? शर्म करो अपने आप पे, कम से कम शर्म तो होना चाहिए। इतना बेशरम भाजपा, इतना बेशरम क्यों धरना कर रहा है? बीजेपी किस वास्ते धरना कर रहा है? मैं आज बताता हूं, हम इतना कमजोर नहीं है, तेलंगाना सरकार इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारे किसानों को गंगा में ढकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे जान जाने पर भी ऐसा नहीं होने देंगे, बचा लेंगे हमारे किसानों को। लेकिन सारे देश को पता चले कि इनका व्यवहार कहां कहां क्या क्या चल रहा है, किसानों के साथ इनका व्यवहार क्या है। आपने सही कहा जी, बिल्कुल, आज का जो सरकार है षड्यंत्र वाला सरकार है, जनतंत्र वाला सरकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं, या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं, क्या नहीं?